नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में मैं सी अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल हमारी बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लानिंग रहेगी, कौन से लेवल पे हमारी प्लानिंग रहेगी। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे 26 जनवरी की वजह से हॉलिडे था, थर्सडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक फॉल के बाद अच्छा रिकवरी देखने को मिला। हालांकि अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं अभी भी मान रहा हूं कि बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल ब्रॉडर वीकली डायरेक्शन है दैट इज बेयरिश। इवन आप यहां पे भी देखें, लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर। अगर आप ये गैप डाउन के बाद यहां से देखना शुरू करें तो यहाँ गया और यहाँ गया, अभी भी ये लोअर हाई लोअर लो का ही पैटर्न बना रहा है। तो सॉरी, कहीं पे कोई बुलिश पैटर्न का फिलहाल नामो निशान नहीं है। हाँ, जस्ट ये गैप है कि थर्सडे की जो कैंडल बनी थी दैट वाज अ काइंड ऑफ बुलिश हैमर कैंडल, बट ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर हमको इसमें कोई बुलिश ट्रेड लेना है तो मिनिमम 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 मैं आपको कह रहा हूं हमें यहां तक का 45,485 तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोज दे फिर हम कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज यू नो हमारी जो प्लानिंग रहेगी, जो प्लानिंग रहनी चाहिए वो बेरिश ट्रेड के लिए ही रहनी चाहिए। तो ये पहली बार बता देता हूँ, मैंने मेरे वीकली चार्ट के वीडियो में भी बताया है, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी जो बैंक निफ्टी के लिए ब्रॉडर व्यू है वो बेरिश है। और इसी के चलते अगर हम बुलिश ट्रेड इंट्राडे में कोई ले भी रहे हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पर बनते हो, तो भी आपका इंट्राडे में बुलिश का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो कम होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए या 1/10 होना चाहिए। चलिए, अब थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट वाज 45,139 और जो लो बना हुआ है विच इज 44,429। ओके, तो ये है और जहां पे क्लोज दिया है विच इज द लेवल ऑफ 44,866। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा तीन चीजें मायने रखती है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का मतलब हमारे लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हो जाएगा थर्सडे। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई लो और क्लोज, मैं चाहता हूं आप इन तीन चीजों को एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दें। तीन चीजें इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो, प्लीज 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 राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लो, सेकेंड हाई, थर्ड इज क्लोज। ओपन को एक बार इग्नोर करो चलेगा, बट ये तीन चीजें हैं, हाई लो एंड क्लोज, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको आपको बहुत केयरफुली देखना चाहिए और समझना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 43,599 पे जो लाइन बनी हुई है ये वीकली चार्ट का एक स्विंग लो है, मैंने मेरे वीकली एनालिसिस में बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला स्विंग लो है और उसके बाद ये वाला फाइनल जो स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सो हालांकि एक और छोटा सा यहाँ पे बन रहा है बट वी विल सी दैट इन आर्ली चार्ट। अभी हम आर्ली चार्ट में चले जाते हैं और आर्ली चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम यू नो बैंक निफ्टी को अगले वीक के लिए प्लानिंग करेंगे और क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लेवल्स बताए कि 44,866 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है, उसके ऊपर पहला इंपॉर्टेंट लेवल अगर कोई हमें दिख रहा है, मैं यहाँ पे भी चार्ट को जूम कर देता हूँ, या अगर पहला लेवल हमें यहाँ पे कोई दिख रहा है जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऊपर की तरफ, तो वो है 45,139 का लेवल, या तो आप यूं कह सकते हो इसको थोड़ा नीचे ले लो, तो ये जो 45,000 का बिग राउंड नंबर आएगा वो एक यू नो अच्छा रेजिस्टेंस बन के बाहर आएगा। तो अगर मंडे के दिन, कल के दिन 44,866 से ऊपर की तरफ जाता है, नंबर वन हम ट्रेडिंग क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे, नंबर टू अगर आप बुलिश ट्रेड ले भी रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 45,000 का बड़ा रेजिस्टेंस आपको यहां मिल सकता है। 45,000 के बाद यहाँ पे 45,089 का लेवल बना है, या तो आप यू नो जो हाई बना हुआ है थर्सडे के दिन का 45,139, उस लेवल को आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारे लिए बन जाएगा 45,323 और उसके बाद 45,475।
तो यहां तक ऊपर के तले इतनी प्लानिंग में फिलहाल के लिए करना मुनासिब समझता हूँ। हाँ, एक और अगर आपको लेवल चाहिए तो 45,574 का लेवल आप ध्यान में रख सकते हो। सो 44,866 पे क्लोज आया है, 45,574 मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का प्रोविजन हमने करके रखा है ऊपर की तरफ। इन लेवल को ध्यान में रखेंगे, यहीं पे ट्रेड करेंगे, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता है तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। खैर, अगर 44,866 से नीचे की तरफ आ, देखिए एक बात समझिए, अगर मंडे के दिन कल के दिन गैप अप हो जाता है कोई कोई रीजन से, कोई कुछ भी रीजन से 100-150 पॉइंट गैप अप हो जाता है और आपको 45,000 के आसपास कोई बेरिश हैमर कैंडल दिखती है, तो आप डेफिनेटली वहां से एक बेरिश पोजीशन ले सकते हो। हेज के साथ लेना, नेकेड ऑप्शन सेलिंग का ट्राई मत करना क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ बजट, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर नीचे की तरफ जाता है या तो गैप डाउन खुलता है तो कौन से लेवल पे हमारी प्लानिंग रहेगी? 44,866 के बाद पहला हमारा प्लानिंग रहेगा 44,674। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो हमें थोड़ा रेंज बनने का इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी रेंज बने, कंसोलिडेट करे, उसको ब्रेक बेरिश साइड पे करे, तो फिर से हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास को नया ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी वो होगी 44,429 जो एक्चुअली थर्सडे के दिन का लो बना हुआ है। उसके बाद थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि रिसेंटली बैंक निफ्टी इस एरिया में कभी ट्रेड नहीं किया है। सो 44,429 के बाद नेक्स्ट लेवल जिसके ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं वो है 44,264। अगर 44,264 भी निकलता है तो यहां पे एक लेवल बन रहा है 44,160। उसके बाद 44,000 का बिग राउंड नंबर, यस 44,000 का बिग राउंड नंबर, और उसके आसपास का हम प्लानिंग रखेंगे। और उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 43,800 के आसपास का लेवल। तो इन लेवल को हम कल ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं जनवरी मंथ में ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल के ऊपर 4% बना रहा हूँ टोटल कैपिटल। अगर यूज कैपिटल की बात करूं, क्योंकि मैं हेजिंग कर रहा हूँ, यूज कैपिटल के ऊपर ऑलरेडी 10% से भी ज्यादा रिटर्न मैं निकाल चुका हूँ, 12% टू बी वेरी प्रिसाइज। और ये 12% रिटर्न, 50,000 प्लस का प्रॉफिट, आप मेरे डेली पीएनएल एनालिसिस को देखिए, ये लेवल्स को फॉलो करके ही मैंने हासिल किया है। तो ये लेवल फॉलो करिए, और अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हो, लेवल्स को रेगुलर फॉलो करते हो, तो प्लीज टाइप आउट लेवल्स आर पावरफुल। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक बार टाइप करें, लेवल्स आर पावरफुल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।